हाँ जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है नेशनल कोबरा कैडेट यूट्यूब चैनल में। बहुत दिनों बाद आपके सामने मैं ये वीडियो ला रहा हूँ फिर से। तो यह जो नोटिफिकेशन है आपका ना SSB सशस्त्र सीमा बल, आप लोगों के दिमाग में आ जाएगा अभी तो मिनिस्टेरियल का करवाया ही नहीं है। कौन सी वैकेंसी आ गई, नया नया आया है वैकेंसी आपका हेड कांस्टेबल, वही हेड कांस्टेबल है वो मिनिस्टेरियल का था, और यह जो है कि नॉन मिनिस्ट्रियल है। तो नॉन मिनिस्ट्रियल में कौन कौन सा आपका पोस्ट है? हेड कांस्टेबल में इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिक है, स्टेवर्ड है, वेटनरी है और कम्युनिकेशन है। यह सारी पांच पोस्टें जो भी हैं, मैं इसका नोटिफिकेशन आपके टेलीग्राम चैनल जो है ना नेशनल कोबरा कैडेट्स, उसमें मैं आपको भेज दूंगा। आप जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका फॉर्म फिलिंग 18 मई से ही शुरू हो गया है। ये वीडियो आपको देर में देखने के लिए मिलेगा, हालांकि मैं 18 तारीख से पहले ही ये वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा मेरा सिस्टम जो है कि ब्रेकडाउन हो गया है, बंद हो चुका है, उसमें जो सॉफ्टवेयर काम हम नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से मैं एडिट करके आपको बाद में ये दूंगा। फिलहाल मैं PDF को आपके टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, ठीक है? तो ये आपका फॉर्म फिलिंग चलेगा 18/6/2023 तक, और इसमें जो है कि आपका हाइट जो है वेटनरी वाले लोगों के लिए और इन लोगों के लिए 167.5, नहीं तो अमूमन 170 हाइट है, और फीमेल के लिए आपका भी 157 सेंटीमीटर हाइट है। मेल के लिए रनिंग है कितना, 1600 मीटर 6.5 मिनट में, फीमेल के लिए 800 मीटर जो है आपका 4 मिनट में कवर करना है। और इसका सबसे खास क्या है चीज, पेपर जो है आपका रिटर्न जो एग्जाम होगा उसमें है, 50 मार्क्स का होगा। उसमें आपका हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल है, हिंदी करो चाहे इंग्लिश करो, GK मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये 50 मार्क्स के आएंगे। और बाकी आपका क्या है, 100 मार्क्स का आएगा आपका टेक्निकल सब्जेक्ट। जैसे आप कम्युनिकेशन से है, कम्युनिकेशन के बारे में पूछा जाएगा, वेटनरी में अप्लाई करें तो वेटनरी के बारे में पूछा जाएगा, कम्युनिकेशन का हो गया, इलेक्ट्रिशियन से अप्लाई करें इलेक्ट्रिशियन से पूछा जाएगा, अब इलेक्ट्रिशियन में क्या पूछा जाएगा, एम्पियर पूछा जाएगा, करंट पूछा जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, MCV पूछा जाएगा। यह सब बेसिक बेसिक चीजें, बेसिक क्या, वही आप जो अपना पढ़े रहेंगे उन्हीं सब चीजों को पूछा जाएगा, ठीक है? तो मैं कहूँ कि चलिए नोटिफिकेशन जो आया, नोटिफिकेशन के बारे में आपको थोड़ा सा रूबरू करा दिया जाए, बता दिया जाए। और फिर जो भी या जो आप लोग अभी कमेंट करने लगोगे कि भैया इसका बताओ कि जो मिनिस्ट्रियल का अगस्त 2021 का फॉर्म भरा गया था तो उसका क्या हुआ, देखिए उसका जो है ना जल्द ही होने वाला, बहुत दिन से यही कह रहे हैं जल्द ही होने वाला, जल्द ही होने वाला, इसीलिए उसे कुछ बोलने का मन नहीं करता। जहां से भी इनपुट आता है, इंफॉर्मेशन आता है, बस अभी कुछ पता ही नहीं है होने वाला है क्या नहीं है। बस अभी ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा नोटिफिकेशन भी एक सर्कुलेट हो रहा है कि जिसमें यह है कि आपका जून के मंथ में हो जाएगा। और जो जहाँ पे है, जैसे कि RTC आपका यह जो है गोरखपुर का, वहाँ पे पता चला है कि ग्राउंड ग्राउंड का जो भी है वहाँ पे थोड़ा डॉक्यूमेंट इधर उधर मूव कर रहा है, तो इससे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है वहाँ से जहाँ से पता चलता है कि जल्द ही होने वाला है। आप जून तक इंतजार करिए, जून के लगभग आपका 20 जून तक फिजिकल के लिए आप देखिए तब तक होने की संभावना है। और रनिंग करते रहिए थोड़ा बहुत, और BSF USF का आप अपना तैयारी करिए, BSF CISF ITBP ये जितने आप भरे हैं, ठीक है? मिलता हूँ इसी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा यूट्यूब पे कम रहिए, पढ़िए अपना ज़्यादा, टेक्स्ट बुक कोई एप्लीकेशन या कहीं से भी आप टेस्ट दीजिए दवा करके, तैयारी में लगे रहिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर जय।